नमस्कार एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल राम नरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 21 नवंबर को। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राम नरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपनी शुभकामनाओं में उन्होंने कहा है कि दीपोत्सव भारतीय संस्कृति का प्रतीक पर्व है। उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में समृद्धि का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक एक दूसरे को सहयोग करें और साथ मिलकर दीपोत्सव मनाएं, विकास का प्रकाश फैलाएं, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पावन पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आप सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन केवल अपनी समृद्धि नहीं, हम अपने प्रदेश की और देश के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं। प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने वाले दल के साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष सूखे की भयावह स्थिति है। राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से 4,498 करोड़ रुपए की सहायता का आग्रह किया गया है। दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र केंद्र सरकार को सौंपे जिससे मदद मिल सके। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन समाधान की ओर विषय पर भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 21 और 22 नवंबर को होगी। संगोष्ठी में देश के करीब 650 वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संगोष्ठी की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के व्यवस्थित आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूरी की जाए। संगोष्ठी की अनुशंसाएं सिंहस्थ में होने वाले वैचारिक महाकुंभ के आधार पत्र का काम करेंगी। संगोष्ठी में प्रदेश के पर्यावरणविदों को भी आमंत्रित किया जाए। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने आज मंत्रालय में नई दिल्ली से मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित इलाकों को देखने आए अंतर विभागीय केंद्र दल ने भेंट की। दल प्रमुख अमिताभ गौतम ने मुख्य सचिव को अपने 3 दिवसीय दौरे का ब्यौरा दिया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद थे। दल ने बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विस्तार से चर्चा की। धनतेरस को प्रदेश में पिछले वर्ष की धनतेरस की तुलना में बिजली की सप्लाई 70% अधिक हुई। वहीं प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग में 20% का इजाफा हुआ है। पहले प्रदेश में रबी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर समन्वय और कुशल प्रबंधन कर प्रदेश में मांग के अनुरूप सुचारू व गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई की गई। और फिलहाल एमपी लाइव में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।